वही मैं भी बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, जो ये प्रोडक्ट है वो फॉरेन प्रोडक्ट है, जी तो मैम, यहाँ पे इसकी सर्विस जो है मिलना पॉसिबल नहीं है। मैं कोई वन प्लस का हेटर नहीं हूँ। एक टाइम हुआ करता था जब मैं वन प्लस का फैन था, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है। इस वीडियो को बनाने के पीछे दो मेन रीज़न है। पहला कि मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि आप किस तरीके से अपने वन प्लस के किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम कर सकते हैं। उस वीडियो पर एक कमेंट आता है कि सर मैंने वन प्लस नोर्ड N20 स्मार्टफोन बाय किया 1 मंथ पहले, तो मेरी उसका जो कॉम्बो होता है स्क्रीन और टच, क्या वो रिपेयर हो पाएगी? और दूसरा रीज़न है कि वन प्लस का अंडर 20,000 एक ही स्मार्टफोन है, वन प्लस नोड CE2 लाइट। अमेजन पर जाके जब मैंने उसकी रेटिंग चेक की तो उसे 4.3 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है और 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने रेटिंग दी हुई है। आप सोच सकते हो जो इतनी रेटिंग है तो कितने लोगों ने इस स्मार्टफोन को बाय किया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और मुझे बताना कि मैंने कोई गलत बात की है या फिर अगर जो आपको मेरी बात सही लगती है तो ये वीडियो आपको उन तक ज़रूर पहुँचानी है जिन्हें वन प्लस के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस नोट CE2 लाइट के बारे में। मैं आपको अमेजन की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाता हूँ। मोर देन 12,000 रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में हीटिंग का भी इशू है और हैंग भी होता है, लेकिन वन प्लस के स्मार्टफोन जाने ही जाते थे कि वो कभी हैंग नहीं होते थे। इस स्मार्टफोन को मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए, और ना कोई बड़ा यूट्यूबर आपसे कहेगा कि आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको IPS LCD पैनल मिलता है, जबकि इस रेंज वाले अदर स्मार्टफोनों में आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे का यूज़ किया गया है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बेटर नहीं है। उससे अच्छे, बहुत अच्छे क्वालिटी वाले भी आपको स्मार्टफोन मिल जाते हैं इस रेंज में। और यही नहीं, अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, जो कि अंडर 15,000 बहुत सारे स्मार्टफोन में मिल जाता है। इस प्रोसेसर की मेन दो प्रॉब्लम है कि ना ही आप इसमें 4K वीडियो वॉच कर सकते हैं और ना ही 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूं कि आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। एक भी चीज़ इसमें ऐसी स्पेशल नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वन प्लस का स्मार्टफोन नहीं बाय करना चाहिए, लेकिन गलती से भी इस स्मार्टफोन को आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि आपका एक फिक्स बजट है, आपको अंडर 20,000 ही स्मार्टफोन बाय करना है। फिर ये क्यों, अगर मुझे इस रेंज में 10 स्मार्टफोन दिए जाएं और उनमें से एक ये भी हो तो इसकी रैंकिंग मेरे अकॉर्डिंग या तो 9th होगी या फिर 10th, तो फिर आप इसको लेके करोगे क्या? बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अंडर 20,000 स्मार्टफोन बाय करना है और वो कहते हैं कि उन्हें वन प्लस का ही स्मार्टफोन बाय करना है। ऐसे लोगों के लिए ही ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं, और आपको भी उनको भी बताना है कि आप इसको बाय तो कर लोगे अंडर 20,000, लेकिन इसमें आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या? आपका अगर जो फिक्स बजट है तो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ उसको आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। फ़ायदा नहीं है ऐसे किसी भी स्मार्टफोन को सिर्फ कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग बाय करने से। अगर मैं बात करूँ वन प्लस नोड N20 की, तो ये स्मार्टफोन अभी तक इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको ये मिल जाता है बाय करने के लिए, और लोग वन प्लस का नाम देखकर इसको बाय कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद ही शुरू होती है। अगर इस फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इंडिया के अंदर वन प्लस कस्टमर सर्विस आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी। मीन्स आप अगर जो केयर पर जाओगे तो आपको साफ मना कर देंगे कि सर हम आपके स्मार्टफोन को कुछ नहीं देख सकते हैं, ना ही इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप उनको पैसे भी दोगे तब भी वो आपसे बिल्कुल साफ मना कर देंगे कि इस स्मार्टफोन में हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? लेकिन लोग वन प्लस का नाम देखकर स्मार्टफोन को बाय कर लेते हैं बिना कुछ पता करे। आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इस तरीके से किसी भी कंपनी के नेम को देखकर कुछ भी बाय करने से पहले आपको सोचना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का एक मोटिव ये भी है क्योंकि आजकल पता नहीं, अगर आप किसी से कहोगे कि उनको स्मार्टफोन बाय करना है तो उन्हें सिर्फ एक ही कंपनी का नेम पता है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन प्लस के जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है वन प्लस 11 और 11R, वन प्लस 11R 40,000 रुपये का आता है
और अगर आप कहोगे कि मैं इसको बाय कर लूँ, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपको ये स्मार्टफोन बाय नहीं करना है, क्योंकि इसमें गेमिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू होता है। मतलब 40,000 का स्मार्टफोन है और आप उसमें गेम भी नहीं खेल सकते, तो फ़ायदा क्या है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वन प्लस का स्मार्टफोन बाय नहीं करना है, लेकिन आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। सिर्फ कंपनी या फिर ब्रांड के नेम से स्मार्टफोन को बाय करना अभी के अभी छोड़ देना इस वीडियो को देखने के बाद। आज की वीडियो में यही सारी बात थी जो मुझे आप तक पहुँचानी थी। तो आपका क्या व्यू है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया फिर मेरी कुछ बात गलत है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। इससे वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।